मुंबई का सबसे फेमस मोहम्मद अली रोड, और यहाँ पर जो फूड मिलता है गाइस और कहीं नहीं मिलता है। सारी चीजें चाइनीज भी है, भेजा भी है, और यहाँ पर स्टार्टर में भी है, और नान सैंडविच जो इनका फेमस है वो भी है, चिकन रेशमी भर्रा। नजदीक से दिखाओ, नजदीक से दिखाओ भाई। हाय 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 हाय, जूसी क्रंची, पीछे से लेयर देखो उसका, क्या बात है, क्या क्वालिटी है। ओहो हो, नान देख सकते हो, जैसे आप पाव भाजी खाते हैं ना बटर में फ्राई करके, वैसे नान को फ्राई किया गया है। और ये आपको खाना है इस भेजा मसाले के साथ, जो कि बकरे का भेजा है, भेजा मसाले का ये बाइट। हाय 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 हाय, इसी को फ्राइड राइस और स्टार्टर चाहिए एक ही प्राइस में, 250 में, तो ये होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और इस मेनू कार्ड में से आप कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर करो माहिम वाले ब्रांच में, इनके 20% आपको डिस्काउंट मिलने लगा है, यहाँ पर फ्लैट 20%। मुंबई में अगर आपको नॉनवेज खाना है तो ये बात हम सबको पता है कि मोहम्मद अली रोड इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है। चाहे वो नान सैंडविच हो, या बिरयानी हो, या चाइनीज हो, या निहारी हो, या कोई भी आइटम हो, यहाँ तक कि भेजा, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही टॉप नॉच टेस्ट की मिलती है। और रियल ऑथेंटिक आपको नॉनवेज का अगर मज़ा लेना है तो वो है मोहम्मद अली रोड। और रमज़ान के महीने में मैं मोहम्मद अली रोड का ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग बनाए और आप लोगों ने बहुत पसंद भी कराए, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बगैर रमज़ान के भी वो कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेगी सेम टू सेम जो रमज़ान में मिलती है, और ऑल सीज़न आपको यहाँ मिलेगी। यह है मुंबई का सबसे फेमस मोहम्मद अली रोड, और यहाँ पर जो फूड मिलता है गाइस और कहीं नहीं मिलता है। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर माशाल्लाह क्यूजिन, मैंने रमज़ान का जो एक ब्लॉग था अपना मोहम्मद अली रोड का, उसमें ऑलरेडी आप लोगों को मैं दिखाया हूँ। और यहाँ पर जो टेस्टी आइटम मिलते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये देखो शॉर्मा हो गए, और सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, हो गया अंडा रोटी यहाँ पर बन रहा है, और ये रोल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस और टेस्टी है, और प्राइस भी इनका बहुत ही जेन्युइन है, ज़्यादा प्राइस है नहीं। तो इनका जो रेस्टोरेंट है माशाल्लाह क्यूजिन, अंदर भी आपको एसी सीटिंग मिलेगी, ऊपर भी है, लेकिन आज एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज का जो मैं ब्लॉग कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें सेम टू सेम, इनका माहिम में एक नया ब्रांच खुला है, माहिम में मैं जाऊँगा और आपको मैं दिखाने वाला हूँ सारी टेस्टी चीज़ें जो मोहम्मद अली रोड में रमज़ान में यहाँ मिलती है, वो आपको माहिम में भी मिलेगी। तो यहाँ से मैं अभी निकलता हूँ, सीधा आपको डायरेक्ट माहिम में मिलता हूँ। फाइनली मैं आ गया हूँ माशाल्लाह क्यूजिन के माहिम वाले ब्रांच में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिसेंटली चालू हुआ है। आपको मैं पहले बता दूँ आना कैसे है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे आगे से राइट में है दरगाह का लोकेशन, माहिम दरगाह जो कि बहुत फेमस है, वहाँ से आपको सीधा अंदर आ जाना है। और ये है माशाल्लाह क्यूजिन का माहिम का ब्रांच। तो आइए पहले ओनर से मैं आपको डायरेक्ट मिला दूँ, और फिर यहाँ पर हम सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले, तवे के आइटम और टर्किश आइटम सारी चीज़ें चालू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? खैरियत से? माशाल्लाह भाई, बहुत ब्यूटीफुल। और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने ये चालू करे हो, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना इसके बारे में। ये हमारा सेकेंड आउटलेट है भाई, मोहम्मद अली रोड के बाद। जी, हम लोग चाहते है कि मोहम्मद अली रोड का जो जायका है वो माहिम वगैरह, माहिम और दूसरे भी इलाकों में लेकर आया जाए। सही है, इसके लिए हम लोग ने एक छोटी सी शुरुआत करे है। सही है। और मैंने अभी आपको बता दूं, मैं आपके मोहम्मद अली रोड के ब्रांच पे था। अच्छा, वहाँ मैंने लोगों को बताया कि ये बहुत ज्यादा फेमस है, रमजान में तो इसकी चकाचौंध अलग है, और अभी भी है। बराबर। और मैंने ये भी बता दिया कि जिसको रमजान के बिना भी अगर खाना है ये सारे आइटम, और अंदर और भी चाइनीज वगैरह भी है, तो माशाल्लाह क्यूजिन में सबसे बेस्ट होने वाला है ना ये। तो क्या चीज हम चालू करने वाले, दिखाना जरा भाई। हम लोग है ना मोहम्मद अली रोड के जो फेमस तवा आइटम्स है, वो आपके लिए बनवाएंगे। अच्छा, हमारे पास बेदा रोटी है, मटन नान सैंडविच है, चिकन रोल है, एक हमारा स्पेशल चिकन इराकी सैंडविच है। अच्छा, और सीख रोल, टिक्का रोल, क्या ये सारे फास्ट फूड आइटम्स अवेलेबल है माहिम ब्रांच पे। सही है, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद अली रोड के सारे जो फेमस आइटम है आपको माहिम में भी मिलेंगे, और बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक इनका टेस्ट होता है। हर चीज़ आपको गाइस लाइव फ्रेश आपके सामने मिलेगी, और नीट एंड टाइडी वे में सारी चीज़ें होती है। अंदर इनका एसी हॉल है जहाँ पर आप इजीली बैठ के डाइनिंग कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर हम सारी चीज़ें खाएंगे, ये सारी चीज़ भी खाएंगे, और अंदर और भी इनका चाइनीज़ वगैरह वो भी देखेंगे क्या है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ये भेजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ऑलमोस्ट ये भेजा रेडी हो चुका है। हाय हाय हाय, ये देखो क्या बात है, ये आ गया इसके अंदर पानी, ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में चीज़ बनने लगे। अब ये बनने कितना टाइम लगेगा भाई? ये 1-2 मिनट में पक जाएगा। 1-2 मिनट में? क्या बात है यार, यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट है। मैं समझता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर आपका भेजा यहाँ फ्रेश रेडी हो गया है। फूड ब्लॉग में किचन का मैं आपको ना दिखाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो इनका किचन कितना नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह क्यूजिन का। और यहाँ पर भी एक चीज़ बनने लगी है, ये क्या चीज़ की तैयारी हो रही है भाई? तेरियाकी चिल्ली।
चिल्ली का चिकन है। अच्छा ये देखो यहाँ पर तेरियाकी चिल्ली का चिकन बन रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक चिकन हमारा बर्रा का आइटम रेडी हो चुका होने वाला है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखो यहाँ पर क्या बनने वाला भाई तेरियाकी। अच्छा ये उसी की तैयारी, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, चाइनीज हो गया और फ्राइड आइटम हो गया, बर्रा का स्टार्टर आइटम हो गया, ये सारी चीजें नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर बनाई जा रही है। क्या बात, तो हमारा माशाल्लाह क्यूजीन में ये इतना सारा आलीशान खाना यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी चीजें, चाइनीज भी है, भेजा भी है, और यहाँ पर स्टार्टर में भी है, और नान सैंडविच जो इनका फेमस है वो भी है, और भी सारी चीजें। क्या है ये सारी चीज हम समझेंगे, हमारे साथ खुद ओनर हमारे साथ यहाँ पर है जो हमें स्पेशलिटी बताएंगे इनकी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है, और यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ की स्पेशल है। तो अब्दुल रहमान भाई आप मुझको बताओ ज़रा कि आपका जो इतने सारे स्पेशल आइटम है इसकी क्या स्पेशलिटी, कौन सा आइटम से स्टार्ट किया जाए, मैं क्योंकि कंफ्यूज हो गया देख के, सारी चीज़ें बेहतरीन है। सबसे पहले तो वकार भाई मैं आपका बहुत बहुत मतलब वेलकम करता हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल करे बहुत टाइम के बाद। ठीक है, आपको बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे हम, टाइम ही नहीं, आपका शेड्यूल इतना टाइट रहता है, शुक्रिया भाई। अभी भाई ये आपके लिए हम लोग ने स्पेशली बनवाया है। ठीक है, मंचाओ सूप सूप्स के हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा। जो हमारा मोहम्मद अली रोड का कॉन्सेप्ट है उसको हम पैन मुंबई कैसे लेके जाए उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको ये जो बेदा रोटी है, बेदा रोटी वहाँ की सिम्बॉलिक आइटम है, वो हमारे बेदा रोटी है। अच्छा। और एक हमारा वर्ल्ड फेमस है इराकी नान सैंडविच। इराकी नान सैंडविच ये एक बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें बहुत कामयाबी दी है। सही है, सही और है। उसके साथ साथ हमने स्टार्टर में आपके लिए रखा है हमारा जो सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है रमजान के लिए, जिसके जो खाने के लिए मतलब आउट ऑफ मुंबई से भी बहुत लोग आते हैं स्पेशली ये प्रोडक्ट खाने के लिए। और ये मोहम्मद अली रोड का एक नया जिम उभर के आया है कुछ सालों में, जिसका नाम है चिकन रेशमी बर्रा। दिखने में अट्रैक्टिव है जी, बहुत अच्छा आइटम है ये। फ्राइड चिकन के ऊपर एक हमारा इन हाउस बना हुआ स्पेशल सॉस रहता है, उसका टॉपिंग होके आता है, तो एक फ्यूजन प्रोडक्ट है। आपने बर्रा खाया होगा दिल्ली में भी, असलम का और बाकी लोगों का, ये हमारा एक फ्यूजन आइटम है। तो स्टार्ट करेंगे इससे जी, चिकन क्या नाम है इसका, ये चिकन मंचाओ सूप है भाई, चिकन मंचाओ सूप करते देखते हैं कैसा होने वाला है। तो गाइस ये है चिकन मंचाओ सूप, इनका स्टार्टिंग वाला सबसे फर्स्ट आइटम मैं खाने लगा हूँ यहाँ पर, देखते हैं टेस्ट में कैसा होने वाला है। यकीनन अच्छा है क्योंकि मैं इनका ऑलरेडी मोहम्मद अली रोड के ब्रांच पे खा चुका हूँ। तो ये है इनका चिकन मंचाओ सूप, ये देखो क्या क्वालिटी आया है, और अच्छा खासा थिक क्वालिटी में। जो प्योरिटी आना चाहिए ना सूप की, जो स्पाइस और उसका जो टेस्ट है, और चिकन का हर एक आपको सिप में बाइट आएगा। ये देखो स्टार्टिंग में आ गया मेरे को। ये सूप की खास बात ये है भाई कि इसमें जो चिकन यूज होती है वो कीमा चिकन यूज होती है। आप कभी लोकल रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे तो वो बॉइल्ड चिकन डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट उभर के नहीं आता। सूप तो बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया। नेक्स्ट कौन सा आइटम होने वाला है, मैं आपको अभी खिलाना चाह रहा हूँ हमारा स्पेशल जो बहुत फेमस है चिकन। अच्छा। इराकी नान सैंडविच। ओहो, ये दिखने में अलग है, मैंने लोगों को ये में हमारा मोहम्मद अली रोड स्टाइल बर्गर है ये। अच्छा, जो बहुत फेमस है और स्पेशली जो नॉन मुस्लिम कस्टमर्स है उनके लिए है, क्योंकि ये प्योरली चिकन का है, प्योरली चिकन का, और ये नान में बनाया गया। ये नान में बना, क्या बात है, कीमे के कटलेट है और बहुत जबरदस्त आइटम, बहुत ही आला। और ये बनाते हुए मैंने सिनेमेटिक शॉट स्टार्टिंग में लिया हुआ, अभी स्क्रीन पे लोगों के चल रहा होगा कैसे बना। लाइव सारी चीजें यहाँ पर बनती है, हर चीज यहाँ पर फ्रेश रहती है। तो इसका नाम क्या है, टर्किश चिकन इराकी नान सैंडविच। इराकी, अच्छा मुझे थोड़ा सा प्राइस का आइडिया देना चीजों का, इसका क्या प्राइस हो जाएगा। ये भाई 90 रुपीज का आइटम, 90 रुपीज का है। अच्छा, तो क्या लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ ये इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां पर चीजें बहुत रीजनेबल रेट पे है ना। खा के देखते कैसे होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त इसका जो कटलेट है अंदर का, ये देखो अभी आपकी स्क्रीन में मैं वीडियो चलाता हूँ, उसमें कटलेट का साइज देखो कितना बड़ा है। ये कटलेट का साइज बहुत ही बड़ा है और बहुत ही जबरदस्त। इसके अंदर क्या मेयोनीज का गेम है कुछ जी भाई, इसके अंदर 3 सॉसेस का कॉम्बिनेशन। अच्छा। है जो मिलने के बाद बहुत अच्छी बनती है। सही में वाकई में ये इंडियन बर्गर का नाम इसको दे दो, टर्किश को छोड़ दो, इंडियन बर्गर इराकी नान सैंडविच है हमारा। इराकी बहुत ही बढ़िया, जरूर ट्राई करना। गाइस बहुत ही जबरदस्त, ये सूप से मैं स्टार्ट कर रहा था वो तो आला था ही, नो डाउट, लेकिन ये जो है ना सैंडविच मजा आ गया जी। उसका कटलेट के अंदर जो फील था वो तो अलग ही था। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे इनवाइट किया गया तो मैं कुछ भी फेंक रहा हूँ,
आप खुद आओ, अगर नहीं अच्छा लगा ना तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, है ना, खुद खा के देखो यहाँ पर, क्योंकि मोहम्मद अली रोड में इन लोगों का बहुत ज्यादा नाम है। आप अगर मेरा रमजान का ब्लॉग देखोगे ना तो उसमें भी मैं ये कवर करना लाजमी है मेरे लिए, बहुत ही बेहतरीन रहता है। अब क्या हम ट्राई करने वाले हैं भाई, मैं आपको अभी मोहम्मद अली रोड की शान अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं उसके पहले आपको मोहम्मद अली रोड की जो शान है वो हमारा जो बैदा रोटी होती है, हाय 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 हाय, ये आप देखिए, ये देखो इसकी फिलिंग देखिए आप, क्या बात है क्या बात है, ये आपको मैं ट्राई करने के लिए देना चाहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। एक पीस ट्राई करिए आप, एक ही की पीस ट्राई कर पाऊंगा क्योंकि इतना सारा खाना है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो तो ये इनका बहुत ही ज्यादा फेमस और मशहूर बैदा रोटी है, और इसका टेक्सचर, इसका क्वालिटी, और ये बनते हुए मेकिंग मैंने पूरा शूट करा हो, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, बहुत ही आला रहता है, ये जबरदस्त रहता है। ये क्या चटनी के साथ खाने का इसको? जी भाई। अच्छा ये देखो इसकी इनकी ग्रीन फेमस चटनी है, क्या बात है। यहाँ पर देखो ये चटनी में अगर मैं डाल दूंगा ऐसा, ये देखो आए हाय 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 हाय, और बहुत ही हसबे मामूल आपको एक चीज़ में दिखाने लगा हूँ यहाँ पर, ये देखो ये लेमन इसके ऊपर जब आ जाएगा, ओह तो चटनी भी आ गई है और बैदा रोटी का अलग ही मजा देने लगा है भी ये, ओहो ओहो, अंदर चिकन का कीमा है, कीमा है, चिकन का कीमा आपके मुंह में जाके ऐसा मेल्ट हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही बढ़िया। ये बैदा रोटी की खास बात है कि इसमें 75% कीमा है, ओहो, और मतलब कोटिंग का लेयर एकदम पतला है। मैं शूट किया था जी, मैं शूट किया हूँ, इनका जो कीमे का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, फिर अंडा भी है और जो ऊपर का जो रोटी का लेयर है वो भी है, मैदे का लेयर पतला रहता है हमारी बैदा। ये आपका सबसे ज्यादा फेमस आइटम है क्या? इसका क्या प्राइस होता है? ये 70 रुपीज की, 70 रुपीज में। गाइस आप चीज देखो यार, इतना सारा क्वांटिटी है, मैं तो समझता हूँ अगर आप ये एक भी खा लोगे तो आपका पेट इसी में भर जाना है, बहुत ही प्यारा, 70 रुपीज, क्या बात है। और क्या खाने वाला है आगे? आपको हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल आइटम चिकन रेशमी इसी पे मेरी नजर थी भाई, बहुत देर से मैं बोल रहा था, ये देख लो ये लेग पीस के ऊपर और ये चिकन के फ्राई करके जो गेम किया गया है, ये देखो, ये मैं दिखाऊंगा कैमरे में। अच्छा ये इसके ऊपर आए हाय 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 हाय, ये देखो भाई ये क्या चीज है इसके ऊपर जो है भाई? ये भाई हमारा इन हाउस बना हुआ सॉस है। अच्छा, तो बहुत फेमस आइटम है। अच्छा अच्छा, ये इसे खाने के लिए लोग जो है मोहम्मद अली रोड रमजान के महीने में खाली पनवेल से नहीं, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत, इतनी दूर से, इतनी मतलब दूर से भी लोग आते हैं। और अभी मुझे जो मेरे दिल्ली के क्लाइंट्स है वो इनका ये कहना है कि जैसे बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा दिसंबर के महीने में, तो वो लोग अक्सर जो है वीकेंड हमारे लिए ही बॉम्बे आया करेंगे। आया करेंगे, सही है। तो इसका क्या प्राइस हो जाता है ये वाले ट्रे का? ये भाई इसमें मल्टीपल क्वांटिटीज है। अच्छा, आप लोग खा रहे हैं क्वार्टर पोर्शन है, क्वार्टर पोर्शन है जी, तो ये भी पॉसिबल है। हाँ, ये क्वार्टर पोर्शन 220-250 रुपीज का कुछ है। अच्छा, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस चेंज होगा। हाफ क्वांटिटी 360 का है। अच्छा, और फुल क्वांटिटी 620 का है। सही है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं चीजें देख के समझ जाता हूं कि मेरी फेवरेट कौन सी होने वाली है, बाकी सब चीजें अच्छी है। ये बहुत देर से मैं देख रहा था, आइए देखते खाने में टेस्ट में कैसा होने वाला है। ये क्या नाम है इसका? चिकन रेशमी बर्रा। चिकन रेशमी बर्रा, नजदीक से दिखाओ, नजदीक से दिखाओ भाई। आये हाय हाय हाय, जूसी, क्रंची, और ये देखो ये काम हो गया यहाँ पर, नान पे इसका क्रीम गिर गया, ये देखो पीछे से लेयर देखो उसका, क्या बात है, क्या क्वालिटी है। ओहो हो, नजदीक से एक बाइट। जबरदस्त भाई, बहुत ही बढ़िया। ये जो बर्रा वाला आइटम था ना जी, मजा आ गया। तो मैं हर रेस्टोरेंट का जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक हाथ आइटम ऐसे दिखाता हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। वैसे सारी चीजें अच्छी है, लेकिन अब तक मैं जितना भी आइटम खाया हो ये वाला आला। और कौन सा जबरदस्त आला आइटम होने वाला अभी है? आपको हम लोग थोड़ा, जैसे मोहम्मद अली रोड के हम लोग रेस्टोरेंट है, मुगलाई बेस्ड रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारे इधर चाइनीज उतना ही अच्छा बनता है। अच्छा, ये तेरियाकी चिल्ली है। तेरियाकी इज एन इंटरनेशनल सॉस। क्या बात है, ये है तेरियाकी चिल्ली, और इसके ऊपर जो गार्निश आपने की है व्हाइट तेल और सारी चीजें, ये आप लोगों का फेमस है क्या? ये हमारे रेस्टोरेंट का फेमस आइटम है तेरियाकी चिल्ली, बहुत ही बढ़िया। इसकी खास बात ये है कि हमारे मतलब जो मुंबई में ज्यादा चाइनीज फेमस है,
क्योंकि चाइनीज में चिल्ली के अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज है और उसमें पूरा काम जो रहता है सॉसेस का रहता है। सही बात है। और ये टेरियाकी सॉस में बना हुआ राइस है, इसको आप ट्राई करिए। क्या बात है, ये देखो, बस बस बस, शुक्रिया भाई। ये देखो क्या बात है, टेरियाकी सॉस, ब्लैक कलर का सॉस है ये। ये देखो, एक क्रिस्पी चिकन का फ्यूजन आइटम। अच्छा, जो क्रिस्पी चिकन बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन थोड़ा सा भी कॉमन हो गया, पुराना हो चुका है, तो ये उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हमने पेश किया है। क्या बात है, क्रंची टेस्ट है, क्रंची टेस्ट है और टैंगी सॉस ही अजीब सा अलग सा कुछ आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें, डिफरेंट टेस्ट है, क्रिस्पी से बेटर है मैं तो बोलूंगा। जी, क्रंची है और ये इसका जो टेक्सचर है ना, जो टेरियाकी सॉस का, वो अलग ही मजा दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त। क्या बात है यार, सारा जो फूड है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, महंगा जरा भी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं और रेस्टोरेंट में भी गया हूँ। एक सरप्राइज और है, वो आपको वीडियो के एंड में हम लोग आपको बताएंगे। अच्छा, कि आपके ऐसा है क्या, ये देखो गाइस, वीडियो को एंड तक के देखो भाई, एक सरप्राइज भी देने वाले, बहुत ही बढ़िया। और क्या होने वाला है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं खाता हूँ, नहीं तो मेरा हालत इसी में खराब हो जाएगा। आपको वकर भाई अभी खिलाना चाहते हैं, हम लोग बकरे का भेजा, हमारे नान के साथ खाया जाता है। अच्छा, ये देखो गाइस, यहाँ पर इनका स्पेशल नान है, ये बेकरी पे मिलने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, जिसको क्या बटर में इन्होंने फ्राई किया, बटर में पाव भाजी, वो ऐसा बटर में उसको ग्रिल करा गया है तवे पे, देख सकते हो, जैसा पाव भाजी खाते हैं ना बटर में फ्राई करके, वैसे नान को फ्राई किया गया है। और ये आपको खाना है इस भेजा मसाले के साथ, जो कि बकरे का भेजा है। ये देखो, ओए होए होए, ओए होए, क्या बात है। ये भेजा भी मैं लाइव बंदे में बाहर देखा हूँ, इनका बहुत ही नीट एंड टाइडी वे में बनाते हैं, मेरे को जब किचन में देखता हूँ ना तो मुझे मजा आ जाता है, जब लोग लाइव बनाते हैं अलग ही एक्सपीरियंस होता है। भेजा मसाला, थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी टाइप का है जी। और जो भेजे का जो फील आ रहा है ना, मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला। ये भी बहुत बिकता है आपके यहाँ पर, ट्रेंडिंग आइटम है हमारे यहाँ का, मोहम्मद अली रोड का, ये मतलब शान है भेजा मसाला, जो बकरे का भेजा खाने के लिए रमजान में दुनिया लोग लाइन लगाते हैं जी। मैं देखा हूँ रमजान में गाइस, लोग लाइन लगाते हैं भेजा खाने के लिए और लोगों को सीटिंग नहीं मिलती है, माशाल्लाह। मतलब डेढ़ घंटा का वेटिंग रहता है हमारे रेस्टोरेंट, माशाल्लाह। क्यूजिन के बाहर में देखा हूँ लोग वेटिंग पे खड़े रहते हैं, वेटिंग पे खड़े रहने की वजह है कि इतने सारे लोग आते हैं दूर दूर से, तो क्या करेंगे अभी। और ये बहुत ही आला है, लेकिन अभी अगर आप माहिम या बैंड्रा या कहीं भी एरिया में रहते हो तो आपको माशाल्लाह क्यूजिन का सेम टेस्ट मिलने वाला है, बिल्कुल सेम टेस्ट मिलेगा, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑफकोर्स सेम मेन्यू है, सेम प्राइसिंग है। ये देखो, सेम मेन्यू, सेम प्राइसिंग, सब कुछ आपको माहिम दरगाह के थोड़े से डिस्टेंस में मिलेगा। डिटेल एड्रेस में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और मैं समझा भी दूंगा। ये देखो क्या प्यारा है यार, ये देखो भेजा मसाले का ये बाइट, आए हाय हाय हाय। कुछ लोग थोड़ा हेल्थ फ्रीक रहते हैं भाई की तरह, अच्छा, तो उनके लिए हमारे पास ये चपाती भी रहती है। ओए, ओए। जो हम लोग जिसको नान नहीं खाना, चपाती, हाँ, ये प्योर गेहूं की चपाती है, ये देखो, और उसको उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेश। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए हमको पूरा सेटअप वगैरह करना पड़ता है, इतनी देर से ये चपाती बनी है लेकिन फ्रेशनेस देखो, जरा भी कड़क नहीं है, एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारी है। एक बार चपाती से भी देखते खा के कैसा होने वाला है। ये देखो आया है, इसे खा के आपको ऐसा घर की फीलिंग आएगी। क्या बोलना भी, जबरदस्त। हमारे कस्टमर्स, जो हम लोग कस्टमर की साइकोलॉजी देखते हैं, कस्टमर के लिए हमारे एक ये फ्राइड राइस आइटम है। क्या नाम है इसका? जिसमें फ्राइड राइस के कॉस्ट में आपको स्टार्टर भी आ जाता है। ये ओनली 250 रुपीज का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर राइस के ऊपर स्टार्टर की टॉपिंग होके आता है और हमारा हॉट सेलिंग आइटम है। हाय हाय, ये वाला देखो। ये नॉर्मली मियां बीवी, आप कहना चाह रहे हो कि अगर किसी को फ्राइड राइस और स्टार्टर चाहिए एक ही प्राइस में, 250 में, तो ये होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आला है। ये हुनान फ्राइड राइस है, हुनान फ्राइड राइस, क्या बात है। सब रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता ये कॉम्बिनेशन, ये आप लोगों का स्पेशल आइटम है, बहुत ही बढ़िया। नीचे फ्राइड राइस है और ऊपर इनका स्पेशल स्टार्टर है चिकन का। बस 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 बस, ये मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को कैसा होने वाला है। चाइनीज में गाइस ये इनका फेमस और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला इनका आइटम है, हुनान फ्राइड राइस, जिसमें आपको स्टार्टर और फ्राइड राइस दोनों मिलेगा। ये देखो,
क्या बात है, एक बड़ा सा आइटम बनाने लगा यहाँ पर। मजा आ गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि जो आजकल पॉट राइस जो फेमस है ना, जो 400-500 रुपए का आता है, गाइस आपको 250 रुपये में मिल रहा है। क्वांटिटी देखो, स्टार्टर देखो, फ्राइड राइस देखो, आपको सारी चीजें मिल रही है और सिमिलर टेस्ट में, बल्कि मैं तो बोलूंगा ज्यादा ये चटपटा है जी। बहुत ही मजेदार। ये देखो, आय हाय, मैं सोचा था कि एक दो आइटम को फेवरेट बोलूंगा, लेकिन भाई ऐसा हो रहा है कि हर आइटम को फेवरेट बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हर आइटम एक से बढ़ के एक है, बहुत ही जबरदस्त। और ये 250 में तो भाई बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। वहां पर अपने मोहम्मद अली रोड में भी सेम प्राइसिंग है भाई, क्या बात है यार, बहुत ही आला जबरदस्त। तो गाइस खाना तो बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पर चीजें भी खत्म नहीं हुई है। अभी अभी भाई ने मुझे बताया कि इनका जो ये मेनू कार्ड है ना, ये मेनू कार्ड नॉर्मल मेनू कार्ड नहीं है। आप अगर इनके मोहम्मद अली रोड के ब्रांच पे जाओगे ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें, कितने आइटम होंगे, अप्रोक्सीमेटली 350 डिशेस है। उसमें से जो पब्लिक रिव्यू आता है, लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही आला है, ये ऐसा है वैसा है, उसमें से सिलेक्ट किया गया है 100 आइटम, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इनके इस मेनू में से कोई भी आइटम को सेलेक्ट करके खाओगे, तो आपको पसंद आना लाजमी है, क्योंकि ये टेस्टेड है और इनका पब्लिक रिव्यू के हिसाब से ये मेनू कार्ड बनाया गया है कि हमारे रेस्टोरेंट पे आपके सब आपके व्यूअर्स के लिए फ्लैट 20% डिस्काउंट है फॉर द होल डे। सही है, आप कुछ भी परचेस करिए, क्या बात है। और मैं कभी भी आएंगे 20% डिस्काउंट है। ये देखो गाइस, इनके इस मेनू कार्ड में से आप कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर करो माहिम वाले ब्रांच में, इनके 20% आपको डिस्काउंट मिलने लगा है यहाँ पर, फ्लैट 20%, है ना, ऐसा ही है। तो आज आओ खाना हम फिनिश करते हैं। पीछे मेरे साथ यहाँ पर इमरान भाई है, आज मतलब शायान तो मेरा दोस्त था एक, आप जानते हो शायान को मेरे साथ बहुत पहले एक बार आया था, वो कानपुर शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो यहाँ अभी इमरान है और ये खुद ब्लॉगर है। अच्छा, अभी न्यू है तो एक्सपीरियंस के लिए मेरे साथ है। इमरान भाई अपने चैनल का नाम एक बार बता देना, एट इमरान के व्लॉग्स इनके चैनल का नाम है। गाइस जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करो। जल्द मिलता आपको न्यू ब्लॉग के साथ, सी यू सून।